हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के साथ द क्रूएल माफिया हस्बैंड का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। तो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को एक्सप्लेन करने स्टार्ट करते हैं। शादी ख़त्म होने के बाद शुभा जिमिन को लेके अपने घर आता है और जिमिन अपने बेडरूम में आकर फ्रेश होकर बैठी हुई थी बेड पर और सोच रही थी। तभी रूम का डोर अनलॉक होने का साउंड से जिमिन उस डोर की ओर देखती है। वो देखती है कि शुगा उसके पास आ रहा है। शुगा पूरी तरह ड्रंक होके जिमिन के पास आता है और कहता है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? अच्छा तो लग रहा है ना? अच्छा तो लग ही रहा होगा। तुम्हें पता है तुम मेरी ज़िंदगी में आके कितना उथल पुथल मचा के रखा है? तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मेरी ज़िंदगी शांत और एक किंग की तरह थी, पर उस दिन जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में तूफान ला के रखी हो तुम। उसके बाद से मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। कैसे कैसे तुमने मुझसे बातें की। मेरी ज़िंदगी में मुझसे किसी ने इस तरीके से बातें नहीं की थी जिस तरीके से तुमने मुझसे बातें की थी। और तो अगर मैं किसी के साथ मेकआउट करने की कोशिश भी करता तब भी मुझे उसमें तुम ही नज़र आती। जब इस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका कि मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिला। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे ही शांत हो सकता हूँ और मैं इसीलिए तुमसे शादी किया हूँ। जिमिन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मुझसे शांत हो सकते हो? तब तक जिमिन की बात पूरी भी नहीं होती है और शुगा जिमिन को बेड पे पिन कर देता है और उसके ऊपर आकर उसको किस करना स्टार्ट करता है। शुगा की आंखों में जिमिन के लिए लस्ट पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। जिमिन शुगा के इस डेविल लुक को देख बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिमिन खुद को शुगा से अलग करने की बहुत कोशिश करता है, पर शुगा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो खुद से अलग ही नहीं कर पाता है और शुगा उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है लेकिन शुगा उसका एक भी नहीं सुनता है और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता है। उसके नेक्स्ट पेपर पर लव मार्क से भर देता है और फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। जिमिन पेन से बहुत ज़्यादा ही चीखने लगती है। शुगा उससे किस कर उसके आवाज़ को उसके मुंह में ही दबा देता है। जिमिन का ये सब फर्स्ट टाइम था इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, पर शुगा जिमिन की बातें बिल्कुल नहीं सुनता है और ना ही उसकी क्राइंग को देखता है। वो बस खुद ही इमेजिन कीजिए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आपको पता है ना मैं कितनी इनोसेंट हूँ, सो आप लोग इसके आगे खुद ही इमेजिन कीजिए, ठीक है। आफ्टर 6 राउंड बाद जब शुगा सेटिस्फाइड हो जाता है और जिमिन की साइड पर सोता है तो देखता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा टायर्ड है और रोने की वजह से उसकी आईज लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेलन हो चुकी है और जिमिन इतना ज़्यादा टायर्ड थे कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। शुगा जिमिन के फोरहेड के ऊपर एक किस करता है और जिमिन को हक कर कर सोया हुआ होता है। जिमिन विदाउट क्लोथ ही ऐसे ही टायर्डनेस की वजह से सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब शुगा नींद से जागता है तो देखता है कि जिमिन उसके पास ही ऐसे सोई हुई है। ऐसे देख शुगा और भी ज़्यादा जिमिन की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड होने लगता है और अपने फिंगर से उसके फेस को धीरे धीरे टच करने लगता है। जिमिन की नींद खुल जाती है। जिमिन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो शुगा कहता है, क्या कर रहा हूँ? मैं अपने बेबी बॉय को देख रहा हूँ। जिमिन कहता है, मैं तुम्हारा बेबी बॉय नहीं हूँ, तुम एक डेविल हो, तुम इंसान नहीं हो, मॉन्स्टर हो, दूर रहो मुझसे। शुगा जिमिन की वेस्ट को पकड़कर अपने पास पुल करके कहता है, यू आर ओनली माइन माई बेबी बॉय। मैं तुम्हारी ब्यूटी तुम्हारी एंगर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इतना बोलते ही शुगा जिमिन के लिप्स पर किस करने लगता है।
सिम इन शुगा को पुश करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं था। लॉन्ग और डीप किस के बाद जब जिमिन ब्रीथ आउट फील करने लगता है तो शुगा धीरे धीरे उसके लिप्स को छोड़ देता है एंड उसके नेक्स पे सक करके कहता है, ओ माय गॉड, यू नो बेबी बॉय, तुम्हारे नेक पर ये पर्पल मार्क्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड योर लिप्स टेस्ट वॉज सो गुड, यू नो वॉट, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यू आर माई डार्केस्ट ऑब्सेशन। फिर शुगा कहता है, मैं इतनी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ, और जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ तो मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे सच में रियल सेटिस्फेक्शन फील हुआ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम इकलौते इंसान हो मेरी लाइफ में जो मेरे बेड तक पहुँचा है, वरना जितने भी लोग आए सब मेरे गेस्ट रूम तक ही रहे, उससे आगे नहीं। I love you so much, my mochi baby boy. जिमिन एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड थी तो वो पूरा दिन अपने रूम पे ही रेस्ट करती है। इवनिंग में जब वो बाहर जाने के लिए निकलती है तो गार्ड्स उसे बाहर जाने नहीं देते हैं क्योंकि शुगा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना जिमिन घर का कोई काम करेगी और ना जिमिन घर से कहीं बाहर जाएगी। जिमिन को ये सबसे बहुत चिरमस्ती है। शुगा रात को जब घर वापस आता है तो वो फिर जिमिन के साथ अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करता है। जिमिन कितना भी उसे रोके मना करे लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, वो जिमिन के साथ वो एक्सरसाइज करता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जिमिन और शुगा के रिलेशन में कुछ भी नहीं बदला। जिमिन नामजुम से मिलने भी नहीं जा पा रही थी और ना ही जिन से बात कर पा रही थी। वो एक घर में बंद रहते रहते और शुगा के वो टॉर्चर सहते सहते बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। जिमिन अपने आप से नफरत करने लगा था, उसे अपनी खूबसूरती, अपनी अच्छाई, सब कुछ से नफरत हो गई थी। वो बस जिंदा नहीं रहना चाहता था, वो अब शुगा के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने एक दिन एक गलत स्टेप उठाने की कोशिश की, उसने खुद, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। जब शुगा घर पर नहीं था तो उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया और नाइफ की मदद से अपने रिस्ट को कट कर लेता है एंड बाथटब में पानी भरकर उसके अंदर जाकर वो बैठ जाता है। शुगा घर पर आता है और जिमिन को कमरे में ना देखकर वो मेट को बुलाकर पूछता है, तुम, मेट कहती है, मैम घर पे ही है, शायद वो कमरे में सो रही है। शुगा कहता है, वो कमरे में नहीं है। फिर शुगा अपने कमरे में जाता है और बाथरूम लॉक होने की वजह से वो सोचता है कि शायद जिमिन बाथरूम में है। वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर से आवाज़ देता है पर जिमिन कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। फिर वो वेट करता है, काफ़ी टाइम हो गया था पर जिमिन का कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही किसी तरीके की साउंड सुनाई दिया, जिस वजह से शुगा को बहुत वियर्ड लगता है। तो वो बाथरूम के दरवाजे पर बहुत नॉक करता है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। शुगा बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि बाथटब पूरा रेड वाटर से फिल है। वो जल्दी से बाथटब के पास जाता है और जिमिन की बॉडी को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि जिमिन के रिस्ट पर एक कट है जिसके ब्लड के थ्रू बाथटब का वाटर पूरा रेड हो चुका था। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। वो जल्दी से गार्ड्स को बुलाकर अपने कार में जिमिन को बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं और शुगा को बाहर रहने के लिए कहते हैं पर शुगा नहीं मानता है और डॉक्टर्स पर चीखने लगता है। शुगा के गुस्से के आगे डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कहते हैं और शुगा को रूम में रहने की इजाज़त दे देते हैं। जब डॉक्टर जिमिन को चेक कर रहे थे तब शुगा उधर ही साइड में बैठकर जिमिन को फेस को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये पहली बार था कि शुगा किसी के लिए रो रहा हो। डॉक्टर जिमिन की पूरी ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके बाद शुगा डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, बताए डॉक्टर, जिमिन कैसा है, क्या वो अभी ठीक है, क्या वो ठीक है, क्या वो उठ सकता है, क्या बात करेगा वो मेरे साथ, क्या हुआ है डॉक्टर, बताएं आप जिमिन कैसा है। डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर मीन। इतना सुनते ही शुगा वहीं पे फ्रीज हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोने लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। अगर आपको लगता है कि इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए तो ही मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी, अदरवाइज आप सोच सकते हो कि ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। ठीक है।
तो अगर आपको लगता है कि एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि इस स्टोरी का लास्ट पार्ट मैं बनाऊं या फिर नहीं, या फिर आप सोच सकते हो कि ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, बट सैड एंडिंग ज़रूर होगा। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ कि नहीं, फिर मैं इसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी, और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय सारंगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।